क्या आपने डांस सीखा है? सच बात बताऊं, इस इंटरव्यू के लिए जब कहा गया तो मैंने आशा जी से कहा, इतनी अच्छी अच्छी बेहतरीन डांसर्स हैं, आप उनमें मेरा शुमार क्यों कर रहे हैं? मैं तो बिल्कुल अधूरी सी डांसर हूँ। जब जंगली में आई थी तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ना तो एक्टिंग आती थी और डांस का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी बातें बनती गईं, फिल्म्स में रोल इस तरह से आते गए कि वो सिर पे जब ओले पड़े ना तो झटपट डांस सीख लेना पड़ा। और मैं समझती हूँ कि एक लाइफ टाइम भी बहुत ही कम अरसा है किसी भी इंसान के लिए डांस मुकम्मल तरह से सीखने के लिए। अ लाइफ टाइम इज नॉट इनफ। हाँ, जंगली में, दैट वॉज माई फर्स्ट शूटिंग, मेरा पहला फिल्म, और मेरे लिए तो बहुत ही एक अहम फिल्म रहा है। इट शेल ऑलवेज होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। जब वहाँ मैं आई ना कश्मीर के शालीमार बाग में, तो इतने हजारों लोग थे, इतनी सारी आंखें मेरे ऊपर। एंड यू नो, बचपन की एक आदत थी कि मैं बहुत झेप के ना मैं भाग जाती थी, जहाँ घर पे भी कोई लोग आते थे छुप जाती थी। तो वो लाइन थी गाने की, क्या थी, प्यार पे गुस्सा करते हो, तेरा गुस्सा हमको प्यारा है। तो अब शॉट के अंदर शम्मी साहब ऐसे ही बैठे थे जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और कैमरा उस तरफ था, और मुझे लय पे मुड़ के, और ये गाना था। अब मैं लय पे मुड़ू ना तो जबान लड़खड़ाए, और जबान ठीक हो जाए तो कम वक्त मूवमेंट निकल जाए। अब ये होते होते परेशान हो गई, और इतने में डू यू नो व्हाट हैपेंड, शम्मी कपूर साहब वेरी ट्रू टू हिज जंगली कैरेक्टर यू नो आए मेरे पास, कहने लगे, ये क्या है, इडियट, काम करना है तो ठीक तरह से करो। माय गुडनेस, आई विश कि जमीन फट जाती और मुझे निगल लेती। आई स्टार्टेड क्राइंग। इतने में आपा जी आई भागती हुई, देखो बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, खुदा के लिए मैं कह रही हूँ, दिस इज नॉट फॉर यू, मैंने तुमसे पहले ही कहा है ये काम तुम्हारे बस का नहीं, बिस्तर बोरिया बांधो और चलो, आज पहला दिन है शूटिंग का। अब मैंने अपने दिल में सोचा कि ये तो बहुत ही गड़बड़ हो रही है ना, क्योंकि बरसों की उम्मीदें हैं, बरसों की उम्मीदों पे इस तरह पानी फिरता जा रहा है। तो आई सेड टू माई सेल्फ नो, और मैं उठी अपनी जगह पे एंड किसी तरह से अपनी कमर कस ली झांसी की रानी की तरह, और जो जगह मैं छोड़ के आई थी, यानी कि मुझसे जो नहीं हो रहा था ना मूवमेंट, वहीं जाके मैं खड़ी हो गई। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, कि वो टेक ठीक हो गया। हमने ये कहा था कि ट्राई टू बी योरसेल्फ, इफ यू ट्राई टू डू द डांस मूवमेंट्स ऑफ पीएल राज एज ही इज पुटिंग देम अक्रॉस टू यू, यू विल नाइदर बी दैट, बिकॉज दैट इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू बी अ डांसर, यू हैव टू नो द मूवमेंट्स, यू हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ डांसिंग, एंड नाइदर विल यू बी योरसेल्फ, विच इज अ वेरी इनोसेंट। बाद में देखी मैंने फिल्म, तो वो तो इतनी दुबली पतली थी, मालूम था कि अगर हवा जोर की चले तो ये हीरोइन उड़ जाएगी। लेकिन शी पहला पिक्चर था, एंड आई थिंक शी हैड हर बर्थ पैंग्स एज एन आर्टिस्ट। और उसके बाद जैसे जैसे वो पिक्चर का डेवलपमेंट हुआ, पिक्चर जब मैंने बाद में देखा तो मैंने देखा कि शी मेड रैपिड स्ट्राइड्स इन उसी फिल्म में
काफी दर्जा बदर्जा तरक्की करती चली गई हूँ। सुबोध मुखर्जी ने कहा कि मैं एक नई लड़की लेके आया हूँ और बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत छोटी है, तो आप कोशिश कीजिए कि उनको इस तरह का गाना आएगा कि भई जा मेरे बचपन। तो बस थोड़ा सा सोच के मैंने गाया, तब तक मैंने देखा नहीं था सायरा जी का। जब मैंने पिक्चर देखी जंगली तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगा कि जा मेरे बचपन जो मैंने गाना गाया था शायद उनको बहुत ही सूट हो रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे वही गा रही हैं। दरअसल सही मायनों में वो पहला डांस था मेरा आई मिलन की बेला में, और गाना भी बड़ा मकबूल था, तुमको हमारी उम्र लग जाए। उसमें एज अगेन आई से मुझे ज़्यादा डांस नहीं आता था, बट सोहन लाल जी एंड सरोज जी बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने मुझे इस तरह से इन्वॉल्व किया, उन्होंने देखा कि मेरी कितनी कैपेसिटी है, थोड़ा बहुत बैले जानती है। तो एज यू विल नोटिस इन दैट सॉन्ग, उस डांस में आप देखिएगा कि बेहद आर्म के सॉफ्ट सॉफ्ट मूवमेंट्स हैं, जिस्म बिल्कुल सीधा जैसे कि बैले में रहा जाता है। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मैंने उसमें दो डांस कंसीव कर लिया एज राइटर, ये जानते हुए कि ये बेसिकली शी इज नॉट ए डांसर। रेगुलर डांस, एक पार्टी का गाना था फैमिली गेट टुगेदर में, बर्थडे सॉन्ग शी हैज टू सिंग। लगातार डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे कुछ 10-15 दिन उसने उस गाने की रिहर्सल की और बहुत अच्छा डांस किया। तो दैट इज द चेंज इन माय एटीट्यूड टुवर्ड्स डांसिंग। तो दैट वाज टू बी अ वेरी रोबस्ट एंड वेरी वाइब्रेंट फोक डांस। उस दिन से उस लड़की ने सुबह से लेकर रात तक जो असिस्टेंट के साथ, मास्टर सोन लाल जी के साथ, हीरा लाल जी, जो जो रिहर्सल्स की, अनबिलीवेबल।